Good morning, children. How are you all? I am your Pallavi ma'am, and today we are going to listen a beautiful story. आप सब रेडी हो ना स्टोरी सुनने के लिए? Okay, let's start. Today we are going to listen a story, The Dog and Its Reflection. The Dog and Its Reflection. Reflection means the image. आप मिरर में जो आपका इमेज देखते हो ना, सेम टू सेम दिखता है आपको मिरर में, वही उसका मतलब है रिफ्लेक्शन. ना लुक एट हियर. बहुत पुरानी बात है, एक डॉग, छोटा सा डॉग था, एक छोटा सा टाउन में रहते थे और वहाँ पे उसका नाम क्या है, जूनो. उसको एक दिन एक बड़ा सा रोटी मिला था, बड़ा सा रोटी, और वो बहुत खुश हो गया और वो सोचा ये तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ, मैं अकेले अकेले खाऊंगा वो रोटी. देखो मुंह में लेके वो जा रहा है और सोचा कि एक लोनली प्लेस में चला जाए जहाँ पे कोई फ्रेंड ना आए और वो आराम से बैठ के वो रोटी खा सके. चलते गए चलते गए, उसके रास्ते में एक छोटा सा नदी आया. देखो यहाँ पे पानी है, छोटा सा नदी, और उसके ऊपर एक ब्रिज था, एक वुडन ब्रिज था जिसके ऊपर वो चढ़ गए. वहाँ पे चढ़ के उसने देखा कि पानी में उसका दूसरा एक डॉग वहाँ पे है, पानी में एक दूसरा डॉग का इमेज देखा. वो कोई दूसरा डॉग नहीं था, वही डॉग था जिसका इमेज वो पानी में देखा. देखो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसको लगा कि वो एक दूसरा डॉग है जिसके मुंह में भी एक रोटी है, और उसको लगा कि वो रोटी उसके रोटी से बड़ा है और उसको वो रोटी चाहिए था. वो बात करने लगा, शाउट करने लगा, भौंकने लगा. जैसे ही वो भौंकने का माउथ ओपन किया, वो रोटी कहाँ गिर गया? पानी में गिर गया. वो रोटी देखो यहाँ पे पानी में गिर गया. हो वो तो एकदम दुखी हो गया, सैड हो गया, बिकॉज उसका खाना चला गया पानी में. तो आपको ग्रीड करना चाहिए, उसका रोटी क्यों चला गया? क्योंकि वो लालच में था, उसको वो फ्रेंड का रोटी भी खाना था. इसलिए लालच बहुत बुरी चीज़ है, लालच कभी करना नहीं चाहिए, है ना? तो ये स्टोरी. और वो देखो भूखा प्यासा अपने घर पे चले गए. ओके ओके बाय.